अगर आपके ड्रीम इलेवन अकाउंट पर फेयरप्ले वॉल्यूशन लग गया है और आप लोगों को लगता है कि आपने कोई भी चीटिंग नहीं किया है और ड्रीम इलेवन अपने कुछ गलती की वजह से यहाँ पे वॉल्यूशन लगा दिया है, पैसे आपके काट लिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे कैसे रिफंड मंगा पाओगे और कैसे आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे हम लोगों को क्या प्रोसेस करना है और कैसे हमारे पैसे जो है रिफंड मिलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको श्योर करना जरूरी कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार की कोई गलती नहीं की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लेकिन तब तक जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ उसके से पहले आप लोग अगर मेरे इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्हाट इज फेयर प्ले वॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी, अगर इसमें से कुछ आप लोगों ने किया है तो आप सोचो ही नहीं कि आपको रिफंड मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अगर मल्टीपल अकाउंट्स आप क्रिएट करते तो यहाँ पे आपको फेयर प्ले वॉल्यूशन लग जाता है और मिस यूजिंग करते हो इनवाइट फ्रेंड का जो प्रोग्राम होता है, जहाँ पे अगर मिस यूज करके इसका कैश बोनस आप लेते हो इनवाइट कर करके अपने दोस्तों को, तो आपको यहाँ पे फेयर प्ले वॉल्यूशन लग जाता है। या फिर खुद से मल्टीपल अकाउंट बनाए और सबको खुद से इन्वाइट किए और उससे आप कैश बोनस ले रहे हो तो आपको यहाँ पे फेयर प्ले वॉल्यूशन लग जाएगा। और आप लोग किसी अन्य तरीके से कैश बोनस को विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फेयर प्ले वॉल्यूशन लग जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी इनकरेक्ट डिटेल और फेक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको फेयर प्ले वॉल्यूशन लग सकता है। और यहाँ पे अगर सबमिट करते हो किसी अन्य का डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने अकाउंट में सबमिट किए हो ड्रीम इलेवन के अकाउंट में, तो आपको उसके विनिंग का जो फेयर प्ले वॉल्यूशन होगा वो लग जाएगा। और यहाँ पे जो रिफंड है उसमें अगर कुछ छेड़खानी करते हो तो उसमें आपको फेयर प्ले वॉल्यूशन लग जाता है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या क्या हो सकता है यहाँ पे अगर फेयर प्ले वॉल्यूशन लगता है। तो सबसे पहले आपकी विनिंग और कैश बोनस को जो है ड्रीम इलेवन कैप्चर कर लेता है। उसके बाद फिर से अगर ऐसा होता है तो आपके रिफर्ड अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपके इन्वाइट कोड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं सुधरते हो तो आपके अकाउंट को परमानेंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो चलो ये तो हो गया। अब आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको fantasysports@gmail.com करके आपको डालना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे ईमेल्स हैं जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, तो आप लोग अपना जैसे ईमेल करते हैं सेंड करते हैं उसमें आना और यहाँ पे आपका मेल ऊपर शो करेगा, उसके नीचे आपको fantasysports@gmail.com करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट डालना है यहाँ पे ड्रीम इलेवन फेयर प्ले और वायलेशन, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कंपोज ईमेल लिखना होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना होगा। सबसे पहले आप लोग लिखना है यहाँ पे सर या फिर सर/मैडम लिख सकते हो, जो भी है, ठीक है। इसको कैपिटल कर देते हैं। इतना करने के बाद दीजिएगा कॉमा, नीचे करके लिखिएगा आई एम नॉट प्लेइंग लाइक डैट उसके नीचे, उसके बाद लिखिएगा अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी इज मिसिंग फ्रॉम माई ड्रीम इलेवन अकाउंट। उसके नीचे लिखिएगा प्लीज, थोड़ा सा रिक्वेस्ट तो करना पड़ता है तो आप लोग भी कर लीजिएगा, रिफंड माई मनी बैक, ठीक है। और थोड़ा सा और यहाँ पे हाथ वाथ जोड़ लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे आपको एक अटैच का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो पैसे कटे हैं उसका स्क्रीनशॉट आपको लेके अटैच फाइल पे क्लिक करके और फिर उसे यहाँ पे टैग कर देना है, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे लगा देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके और आपको भेज देना है। इसके बाद ड्रीम इलेवन अपने तरफ से जो करना होगा करेगा। अगर आपको आप वहाँ पे ड्रीम इलेवन की तरफ से लगता है कि आपने गलती किया है तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे, अगर लगता है कि ये गलती से हो गया है तो आपके रिफंड पैसे जो है मिल जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, अगर इसे आप लोग फॉलो करते हो तो अपने कटे हुए पैसे का रिफंड मंगा सकते हो। और अगर आपकी गलती नहीं होगी तो, अगर गलती होती है तो आप अपना गलती सुधारिएगा और फिर से ऐसा कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसलिए कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।